ने भाई मिस भी नहीं कर रहा रानी को सर। ये लड़का ना भाई लग गई थी इधर मतलब रंग वगैरह नहीं पहले जो मतलब डिलीवरी। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी भी जस्ट उठी एंड 8 बज रहे हैं अभी। और ये देखो गमले वमले सब निकल के रखे, इसको आज साफ करके रंग लगाना है फिर उधर रखना है। और आज से फुल काम चालू, चाचा लोग भी वहाँ से निकल गए हैं मतलब अरुणाचल से यहाँ आने के लिए, कल आ पहुँचेंगे। और मैसेज किया था कि दीदी मैं कल आ रही हूँ और व्लॉग बना लें, ठीक है? तो मैंने बोला ऑब्वियसली बनाऊँगी, इट्स डेली व्लॉग तो चलता ही रहेगा। अभी दादी ने कुछ इधर जलाया है धुआं वगैरह देखो। और ना कल ना मैं हम लोग बहुत चाहते पता कि रात को एक्चुअली हुआ ये कि जो हमारी रानी जी है वो नहीं मिल रही, पता नहीं कितना ढूंढ लिया वो साइड जो झाड़ वगैरह है ना उधर भी ढूंढ लिया हम लोग ने, नहीं मिली भाई, कहाँ चली गई पता नहीं, अभी तक घर नहीं आई है। कल रात से वो लापता है अभी तक नहीं आई है भाई, कहाँ चली गई। मैं कल रात हम इतना ढूंढे ना, मैं और भैया ने इतना ढूंढा उसे, इतना ढूंढा बट मिल ही नहीं गई वो। इधर तो चारों तरफ हम लोग ने ढूंढ लिया, इधर भी नहीं है, उस साइड भी नहीं है, ये फील्ड में भी नहीं है भाई, कहाँ चली गई हो रानी, जल्दी से आ जाओ यार। दादी भी बोल रही थी कि सुना सुना लग रहा है रानी के, मतलब रानी के बिना सुना सुना लग रहा है, नज़र लग गई घर वालों पर, बोलते हैं ना कि चले जाओ इसे नहीं रखते, नज़र ही लग गए सच में यार। कल से मूड ऑफ है भैया का भी मेरा भी। या बस लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग, ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने जाने वाले की बॉडी मम्मा ने बोला कि पूजा का जो बर्तन है वो मांज दो, तो मैंने बोला ठीक है मांज दिया। अब भी जाऊँ ब्रश करने, रानी नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा ब्रश करने का मेरा मन भी होगा। और चाचा लोग का ट्रेन है रात के 7 बजे, वो लोग अभी डिब्रूगढ़ में मतलब बैठेंगे निकल कर डिब्रूगढ़ के लिए, उधर से ही मतलब 7 बजे का ट्रेन है, बहुत लेट है, पता नहीं कब आएंगे, कल कब पहुँचेंगे पता नहीं। और मैंने जस्ट अभी मिंत्रा का ऐप चेक किया कि कब आ रहा है मेरा डिलीवरी, तो दिखा रहा कि जल्दी आ जाएगा, मटीगरा पहुँच गया है, मटीगरा हब सिलगुड़ी पहुँच गया, हब पहुँच आज शायद जैसी हो जाएगा पार्सल, आई होप हो जाए बस भाई, अब इंतज़ार नहीं होगा। और सूज भी जल्दी ही आ जाए। चलो अभी ब्रश कर लेते हैं, बहुत लेट हो गया भाई ब्रश करना भी। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, बड़ी मम्मा ब्रेकफास्ट कर रही है, ये एक साइड हो रहा है तो ये खा रहा है मतलब ब्रेकफास्ट, खाओ तुम दूध, खाओ दूध पिए लो, नहीं पियोगे दूध, नहीं दूध नहीं पीना है बाद में, ओके। तो एक चीज अच्छा हो बताती, क्या चीज अच्छा हो कि आज ना भाई क्या मोटिवेशन देगा मेरे को, जो मतलब डिलीट हो गया था कल वीडियो, मतलब डिलीट हो गया था ठीक है, मैंने बताया नहीं था तुम लोग को, बताया नहीं एक्चुअली क्या होता है, इंस्टाग्राम का लैग कर रहा था और मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रही थी, कुछ भी मतलब स्टोरी भी ठीक से अपलोड नहीं हो रहा था और रील्स भी मैं नहीं देख पाती थी, स्क्रॉल नहीं कर पा रही थी, तो इंस्टाग्राम की ग्लिच की वजह से मुझे इंस्टाग्राम ऐप भी अनइंस्टॉल करना पड़ा, फिर मैंने इंस्टॉल किया और ड्राफ्ट उड़ गया, तो फिर से शूट किया मैंने, अभी जस्ट शूट किया और रिएक्शन वीडियो शूट हो चुका है। मैं अपने आप एडिटर को भेजूंगी वो वीडियो की जल्दी से अपलोड कर मतलब एडिट करके मुझे दे दे ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ और थंबनेल भी बना लूँगी या उसे ही बोल दूँगी। और आज सुबह से प्रोडक्टिव डे स्टार्ट हो गया था मेरा, यस अभी थोड़ा सा काम पे लगने का टाइम आ गया क्योंकि दशहरा आ रहा है भाई,
ऑन द वे है। और मैंने अभी भी जस्ट देखा कि भाई आ जाए अब कुर्ता, भाई आ जाए अब, वेट नहीं हो रहा मेरे से, भाई वेट ही नहीं हो रहा है, अब आ जाए प्लीज यार। देखो ये खिलौना लेके आया टेडी बेयर छोटा सा, मुझे हग्गू की तरह लगा, मतलब टिगर डिंसन के पास जो हग्गू है ना, एक सेकंड हग्गू जो है ना टिगर डिंसन के, आप लोग ने मतलब जो भी मतलब टिगर डिंसन का पहने चाहे जो भी, उसने हग्गू को देखा होगा मतलब स्टीम्स वगैरह में, एक छोटा सा मतलब टेडी बेयर टॉय जैसा है, उसको हग्गू बुलाते हैं। तो ये देखो लगता है ना ये क्यूट सा भाई, ओए ओए ये भी क्यूट है भाई। तभी तो अभी मैं जा रही हूँ अल्पट लेने, क्योंकि ये गमले में जो रंग लगे है ना अल्पट लेना पड़ेगा ना, वो ही लगाएंगे इसमें। शांति से रहिए ना आप यार, शांति से बैठो। देखो धूप, वो भाई क्या धूप है भाई, बहुत ही ज्यादा धूप है गाइस, बहुत ही ज्यादा। अब ऐसे चिन्ह नवम्बर तक घर ही बैठना पड़ेगा भाई, अब वेट नहीं होता जो मेरा ड्रेस है भाई, जल्दी से वेट मत करवा मिंत्रा वालों और फ्लिपकार्ट वालों भी, मेरा जूता मुझे जल्दी से भेज दो और कुर्ता भी भेज दो भाई। ए बदमाश इंसान, ए बदमाश, अभी अल्पट लेके अब यहाँ रख देते हैं, मम्मी लोग करेंगे, मैं भी हेल्प करूँगी, ऐसा बात नहीं है, बट मिक्स जो करना होता है ना मम्मी लोग करेंगे। ये भाई भी है, ये बदमाश लड़का। ओ भाई मॉम बाहर अल्पट, अमोय फ्रिज जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और क्या करना है सर भाई साहब? तो अभी दादी मतलब हॉस्पिटल जाएंगे ना, रेडी हो रही भैया लेके जाएंगे, क्योंकि उनका तबीयत ना मतलब खराब हो रहा है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहाँ है भाई, किसका हॉस्पिटल? ये जो हॉस्पिटल उसमें जा रही है कि किसका हॉस्पिटल? यस सुखना हॉस्पिटल, नो नो आई गेस पीयूष, पीयूष पीयूष फार्मेसी में जा रही शायद, पीयूष तो वही तो बेटे। ये देख बदमाश, कल तो भाई एक्साइटेड है, इधर आना भाई तू। हाँ कल तो तुम एक्साइटेड हो ना, मेघना दी और प्रतीक भैया आ रहे हैं। यस और नो इस थंबनेल इस, यस क्या बदमाश लड़का। ओ भाई मैं भूल गया ये भी तेरे को भेजने, भेज दी जस्ट दी अभी वरना फिर से ना। यस ये लड़का ना, ओ भाई अरे फिसल जाएगा भाई तू कैसे करता है भाई, बदतर कसम से पानी लग रहा है बदतर। तेरे को कोई भाव नहीं दे रहा भाई। तो मिस कर रहा है, कैसा इंसान है भाई, मिस भी नहीं कर रहा है, रानी को शर्म नहीं है इस इंसान को। रानी सुन, रानी तो हमारा घर ढूंढ रहे होगी पर उसे मिल नहीं रहा, पता नहीं यार कब आएगी रानी यार, रात जल्दी आता भाई। रानी आ जा भाई पीछे आ जा, चल अंदर जाना है तो चल। साफ सफाई करेंगे, ये जो है इधर खिड़की आप देख रहे हो ये साफ करना है, बड़ी मम्मी ने बोला यहाँ का साफ करो, वो जो विंडो वहाँ पे साफ करना पड़ेगा, भैया का ये वाला भी अपना रूम का मतलब काफी दिन हो गया मैंने किए हुए, अभी नहीं करूँगी, मैं ऑलरेडी किया है ना, तो अब ये मैं कैसे करूँ, यहाँ तक तो हो जाए, ऊपर वाला नहीं कर सकते, चढ़ के चेयर के चेयर में चढ़ के करना पड़ेगा शायद, कपड़ा धुलते पहले पोछने वाला कपड़ा, काम करना चालू आज से।
काम खत्म हो गया, अभी मैं शावर लेने जाऊंगी। मतलब इधर का खिड़की का साफ सफाई हो गया, ये वाला हो गया, इधर भी थोड़ा सा मतलब साफ कर दिया मैंने। ये भैया ने बोला था, भैया ने काम लिया था कि तो जो गंदा हो रहा था वही समय उसको साफ सफाई करो। अब टाटा भी कर, क्या यार 10 से 11 मैं मतलब एनर्जी नहीं है, मतलब एनर्जी दिखाओ कि लगे वैसे ही है, साफ सफाई करो करो। ठीक है भैया का बात कभी कभी मानना भी चाहिए गाइस। और ये मैंने ये जो मिरर दिखा ये भी साफ किया। कभी कभी इतना मेला हो जाता है ना, वीडियोस में भी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा बेस्ट स्पॉट है, किसी दिन दूंगी, अब किसी दिन कब आएगा, क्योंकि कलर बिना कंप्लीट नहीं हुआ है घर। थोड़ा सा और मतलब करना बाकी, रूम वगैरह में चेंज करना बाकी कुछ चीज़ें। यस अब चावल लेने चलती हूँ, पहले उससे पहले अपने ठिकाने लग दो, फिर दांत खाना पड़ेगा। ये हम वॉशरूम में लग देते हैं, अभी हम जाएंगे। और मैंने एडिटर को भेज दिया है, क्या बोलते हैं उसे, वीडियो। पता नहीं वो एडिट कब, क्योंकि उसने बोला था कि आप भेज देना, बट मैं आप जब भेजूँगी तो मैं स्कूल जाऊँगी तो उसके बाद आके एडिट कर दूँगी। चलो भाई ठीक है, एडिटर स्कूल में पढ़ते हैं मेरे। चलो भाई इसमें शावर लेते उसके बाद ठीक है, बहुत खुद सन किस्ट आएगा क्या सन, रुको सन आएगा, छोड़ो भाई चलो शावर लेने चलते हैं। अभी बैठ के जो अल्पट लगाना था मैंने ये लाया था ना सुबह, ये इधर लगाना था, तो इसके लिए ये तो मेला साफ करना होगा ना, वही करूँ भाई। और भैया और भाई वहाँ पे बगैर पे कुछ कर रहे हैं, बता दे भाई 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 बस गिर ना जाए। साफ सफाई चालू अभी लग रहा है ना, तब जैसे आप काम करते हो ना तो लगता है कि पूजा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया, जब आप काम ही नहीं करते तो कैसे लग रहा फेस्टिवल ही आ गया। शावर लेने जाऊंगी ऊपर का साफ सफाई करके, बट हुआ नहीं क्योंकि मैं इसमें लग गई थी इधर मतलब रंग वगैरह लगाने में। ये देखो छः मतलब बकेट में हो गया है, ठीक है अब ये बचा हुआ मम्मी लोग करेंगे। मैं खाना खाने जा रही हूँ, खाना खाने के बाद आराम से मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद सोएंगे मस्त मस्त। पापा जी ये लंच में आज सरसों मतलब सुबह का बंदा गोभी का सब्जी, पत्ता गोभी का सब्जी सॉरी, ये कल का मतलब डिनर में कल बना था न्यूट्रेला और लौकी स्कोस लौकी मिक्स करके बना था पर्सी, तो हम खाएंगे। और बड़ी मम्मा भी आ रही है अभी खाने के लिए, आ जाइए जल्दी। दादी जी खा के बैठ टीवी देख रही है। मैं तो घी निकालना ही भूल गई सॉरी भाई, घी कैसे भूल सकते हैं, मैं भूल गई यार। खाते फिर नहाने जाती हूँ, काफी लेट हो गया भाई। रेडी अब आप लोग सोच रहे कि मैं रेडी क्यों हुई हूँ, बिकॉज आई एम शूटिंग, यस आई एम शूटिंग आफ्टर सो मैनी डेज। फाइनली मुझे मोटिवेशन मिला कि वीडियो शूट करते हैं एंड फुल रेडी होकर बैठी हूँ, बट अभी वाईफाई नहीं चल रहा, अब क्या करूँ मैं फुल रेडी होकर बैठी हूँ भाई। मैंने सोचा था कि ये जो ईयरिंग्स है मैं अष्टमी के दिन पहनूँगी, बट अभी मेरे पास कोई ईयरिंग्स नहीं है, तो फिलहाल जुगाड़ के लिए मतलब यही पहनना पड़ा। कोई ना साड़ी कैसा लग रहा मुझे बता देना, ठीक है
एंड या सिंपल देखो मैंने मेकअप भी नहीं किया, थोड़ा सा लिप बाम लगाया, निविया का लिप बाम लगाया, टीका लगाया। टीका इज मैंडेटरी वे यू आर व्हेन यू आर वेयरिंग साड़ी और ट्रेडिशनल जो भी। तो काजल लगा लिया, बस इतना ही सा और कुछ नहीं किया मैंने। अगर मेकअप करने जाती तो और भी बेटर स्किन हुआ, अभी अभी बेटर स्किन हुआ मेरा और भी ज़्यादा बिगड़ जाता, तो इसलिए मैं फटाफट से अभी शूट करती हूँ, उसके बाद ही मिलती हूँ। ठीक है, आज सोने मतलब मैं सोने ही वाली थी, बट मैंने सोचा कि नहीं अनुष्का कितने दिन बहाना बनाऊँगी, शूट तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए शूट कर रहे हैं अभी। एक ऐसी बैठी पड़ी हूँ, ना वीडियो शूट हुआ है, पता नहीं यार, जब मैं वीडियो शूट करने बैठी मुझे लगता है अच्छे से आज कोई कलेश ना हो, मैंने प्रे भी किया। भाई अभी तक वाईफाई नहीं चल रहा है यार, वेट कर रही भाई कब से हो जाए। देखो इतना रेडी होके बैठी हूँ, फिर से भैया के रूम में जाके चेक करना पड़ेगा वाईफाई में क्या इशू आ गया यार, क्या यार मेरे को शूट करने का मौका कब देगा भाई। साड़ी पहन के रेडी हो गई शूट करने, अभी तक वाई फाई नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों भाई। देखो अरे भाई चल जा अभी, चल जा भाई, मेरे को भाई परेशानी हो रहा है। हाँ जी ये पार्सल आ गया, अभी वेट कर रहे हैं, बस आ जाए भाई, इतना वेट करवाया मेरे को भाई। साफ सफाई चल रही है, देखो भाई सब सफाई। अरे भाई साहब अब तो आ जाओ भाई डिलीवरी लेके, वेट नहीं हो रहा भाई, इसकी वजह से ना भैया को दिक्कत हो गई, इधर नहीं आ रहा डिलीवरी, भैया वहाँ जाना पड़ा भाई मेरे को यार, क्या यार एक नाली बनवाने के चक्कर में ना सब दिक्कत आ रहा भाई। ये बोलो कोई दिक्कत कैसा होगा, मिंत्रा का मतलब प्रोडक्ट मैं कभी मिंत्रा से मंगाया है भाई, वो बात है। भैया बारह सौ तीस 1230 भाई मैं तो भाई परेशानी होगी भाई। नहीं पहले जो मतलब डिलीवरी भैया थे ना वो इधर रहते थे, बट एक्चुअली अभी नाली इधर नया बन रहा है ना, तो इसकी वजह से ना स्कूटी आ पाता है ना बड़ा बड़ा गाड़ी आ पाता, वैसे भी वो वाले गली में तो घुसता ही नहीं है बड़ा बड़ा गाड़ी। हाँ इतना कभी जाएंगे घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ जी घर जाते चलो भाई फटाफट से जाते हैं घर, वेट नहीं कर रहा मेरे को। कैसा है प्रोडक्ट, भाभी भी आई है उनको भी दिखाते हैं, भाभी का जो बेस्ट है भाई जो भी बोलो भाई, उनको भी दिखाते हैं मैंने ऑर्डर करने से पहले। ऐसा लगा मैं पहन के भी दिखाऊंगी, बस हो जाए। हाँ वही तो मेरा चॉइस भाई, अच्छा ही है। ओ माय गॉड यस ये दुपट्टा है। मैं मतलब दिखा पहन के दिखाती हूँ ना, तभी देखना आप लोग। यस मैंने पहन लिया है, देखो चुनरी सॉरी ये शूज भी पहन के दिखाती हूँ, मतलब मैचिंग मतलब नहीं है ठीक है, पिंक के साथ पिंक शूट के साथ मैच होगा, बट दिखा दो टाइम होगा ना प्लीज। दिस इज माय सूट, मैं भूल गई सबका मतलब किसको क्या लगा, मैं बहुत मतलब रिएक्शन देना ही भूल गई, मतलब कैसा लगा उनको बताना है भूल गई ब्लॉग में। मॉम कैसा लगा?
आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और आपको अच्छा है? बहन का अच्छा है या मेरा अच्छा है? दोनों अच्छा है भाई। मैं तो देखो, मेरा तो देखो भाई, जो इसी अच्छा। पापा से पूछते, पापा भी आए ना। पापा समझा? मैं तो अलग ही संसार में हूँ भाई। क्या मस्त लग रही भाई, खुद को ही मतलब देख के। ओके, इस आउटफिट में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियोज़ वगैरह बनाने में। एंड यस, दिस इज वॉज माई आउटफिट। एंड जूता भी देख लिया तुम लोग, है ना? और एक ये ग्रीन सूट से मैचिंग हो जाए, इसके लिए मैंने एक शूज़ मंगाया था फ्लिपकार्ट से, वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। ये जो मैंने अभी ये पहना है, ये पिंक कलर का शूज़ जो मैंने पहना है, वो एक्चुअली पिंक सूट के लिए है, तो मैचिंग खरीदे इस बार। दिस गाइस, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय व्लॉग चैनल। एंड यस, बाय। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। बाय बाय, आई लव यू ऑल।